सो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीकेजी क्लासेस में। सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था में इसके विकास के टॉप 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को, जो हमारे 2022 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। सो गाइस आप लोग जानते होंगे कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार है अर्थात अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ए है दो, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है चार, ऑप्शन डी है अनेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन प्रकार को, अर्थव्यवस्थाओं को मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा गया है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? सबसे पहला नंबर ऑप्शन है जापान, रूस, भारत और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में, रूस में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, अर्थात सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से संबंधित है या निम्न वर्ग से संबंधित है या सभी वर्गों से संबंधित है या किसी वर्ग से संबंधित है ही नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्गों से, ठीक है ना। सम्यक विकास की प्रक्रिया किनसे संबंधित है? सभी वर्गों से। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1950 में, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1951 में और ऑप्शन सी दिया हुआ है 2005 में और ऑप्शन डी दिया हुआ 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, इनमें से कौन क्या है आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी बीमा और ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा, ठीक है ना। इनमें से आर्थिक क्रिया बीमा नहीं है, ठीक है। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सो गाइस ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। हम लोग जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सो गाइस हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है अर्थात भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था है, भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सो गाइस आप लोग जानते होइएगा, तो इसका राइट आंसर चलिए बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो यह कंफर्म हो गए होंगे आप लोग कि भारत में क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
सो आप लोग जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किसमें, भारत में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो एक होते हैं ठीक ना, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो योजना आयोग के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है एटीएम प्रणाली से संबंधित है, कोर बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है, या बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटीएम प्रणाली से संबंधित है। क्या है, डेबिट कार्ड किन से संबंधित है, एटीएम प्रणाली से संबंधित है। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्रकृति संसाधन है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्रकृति संसाधन है, ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, निम्नलिखित में से भूमिगत जल क्या है, प्रकृति और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को, क्या, 15 मार्च 1950 को। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन क्या है, ठीक है, बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी, तो इनमें से क्या है, बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन क्या है, तो इनमें से बिहार में जीवन व्यापन का मुख्य साधन कृषि है, ठीक है ना, कृषि से हम लोगों का जीवन व्यापन हो पाता है ज़्यादातर, मुख्यतः, ठीक है। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन, देश में सब्जी उत्पादन बिहार का कौन सा स्थान है, ठीक है, क्या है, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, या चौथा स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में सब्जी उत्पादन में, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, ठीक है। चलिए चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, क्या है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सो गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, श्रीलंका का क्या है, प्रति व्यक्ति आय भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अर्थात निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है, जिस देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है, अविकसित कहलाता है, या विकसित कहलाता है, या अर्धविकसित कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, वह देश विकसित कहलाता है। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, ठीक है ना, गरीबी क्या है, एक कैंसर रोग की तरह है, यह बात किसने कही थी, अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, या प्रोलेविस ने, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सो गाइस, हम आपको पहले ही बताएं कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र
कहा जाता है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या होने वाली है, क्या है बता, चलिए बताते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014 और 2007 से 2012। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 से 2012। ठीक है, 2007 से 2012। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ठीक है ना, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है प्रकृति संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास और मानवीय विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, सामाजिक संस्थाएं क्या है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। ठीक है, चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है, ऑप्शन दिया हुआ है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता दर। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक कौन है, किसे माना गया है बताइए। सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है ना, ये सभी क्या है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है। ठीक है, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? ठीक है ना, तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। अगर किसी देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगे तो उसकी आर्थिक विकास या आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, अर्थात धीरे हो जाती है, स्लो चलने लगती है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। सो गाइस, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।